सौ वर्गी सीतला मैं इको दिल विच ठानी ते मेरी चली तेग दी जग कहू कहानी जे मिन मिन करा ना डकरे दुश्मन दी ढाणी ता रब जहर मेरे लिए कर देवे सतलुज दा पानी पर चाहुंदे हां इको गल सब तो मनवाणी कि किरसानी साडे हक्कां दी रहे बन के साडे हक्कां दी राणी। सो गुरु प्यारी साध संगत जी गुरु वालों नवाजी फतेह प्रवान करो। श्री वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। सजदा दर सजदा हर उस रूह नू हर उस शख्स नू जिहड़ा इस मोर्चे ते पहले दिन तो डटिया होया है। ये मोर्चा मैनू लगता कि मैं मेरी उम्र ते अकल सारिया तो जिन्हें भी बोल के गए ने उन्हां नालों बड़ी घट है, पर फिर भी मैनू लगता कि ये मौका है कि जो हर इंसान का खून खौलता है, खास तौर पर जो 26 जनवरी नू होया घर घर च बैठे हर बंदे ने देखा किन्ने जोश ते किन्ने जनून दे नाल सब अपने छोटे छोटे बच्चों नू बजुर्ग अपने घरां दे घर पिंडां दे पिंड आके इस मोर्चे दे विच एक उस इतिहास नू सिरज रहे ने जिसनू साडी जवानी भुल गई सी। मैं कुछ दिन पहला एक किताबां दी दुकान ते गई, मैनू शौक है किताबां दा, तो मैं उन्होंने पूछा मैं क्या किताबा वेखदियां ने, कहिंदे पहला तो नहीं सी वेखदियां पर इन्हां मोर्चियां तो बाद नौजवानों ने किताबा वल रुख किया है। वो जानना चाहते हैं कि असी कौन हाँ, की है साडा इतिहास, एक किड्डी वड्डी गल है कि इस लहर ने हर मुश्किल जड़े हस के झलदे ने हर मुश्किल जड़े हस के झलदे ने उही बंदे तूफाना नू ठलदे ने। सो इहो कौम है जिसने पूरे इतिहास नू दोबारा तो रिपीट करके रख दिता है। 1675 का वह समा जदों औरंगजेब का राज सीगा ते कश्मीरी पंडित पंजाब की धरती ते महाराज कोल आनंदपुर साहब आउंदे ने ते उन्होंने कोल अरदास करदे ने कि सानू साडे धर्म नू बचाओ, तो पंजाब तो अपने योधियां दे नाल अपने सूरवीरां दे नाल शांतिमय ढंग दे नाल दिल्ली वाल कूच करदे ने गल करन दे लई। अज मौका उही आ गया। वेखो इतिहास कैसी गल है जे असीं पढ़ के देखिया होए कि उसे तरह साडे पंजाब चो लहर उठी है जिसने पूरे हिंदुस्तान नू अपने नाल मिला लिया। अज गाजीपुर होवे, अज यूपी होवे, अज हरियाणा होवे, जिन्हां लोकां नू असीं कहिंदे सां कि असीं धर्म दे नाम ते चीज़ां दे नाम ते पाड़ देना है, अज उही लोग इकट्ठे होके एक थां ते बैठे ने ते हाकम नू इह समझ नहीं आ रही कि गल शुरू कीती है ते हुण मकाईए किवें। सो सब तो वड्डी गल ये है कि जदों भी किसी लहर का जन्म हुंदा है, किसी इनकलाब का जन्म हुंदा है, तो उस दे विच वड्डा योगदान जड़ी है वह जवानी पाउंदी है। और अज ये मौका है जदों नौजवानों ने दस दिता है, भावें कुड़ी मैनूं लगता दुनिया दे विच हिंदुस्तान दे विच हर मुल्क दे विच किसी भी जगह पर तुसी चल जाओ औरत इन्नी सेफ नहीं है जिन्नी साडे मोर्चियां ते कल्लियां कल्लियां कुड़ियां बसां ते गड्डियां ते चढ़ के आईयां ने और इन्नी शांतिमय। मैं पंजाब दी मुटियार हाँ ते भैण हाँ उन्हां वीरां दी, घल्लूघारियां विच जिन्हां ने मार है खाधी तीरां दी। मैं उस बाप दी बेटी हाँ जिस चिड़ी नाल बाज लड़ाया सी, अमृत दी शक्ति दे के ते 1,25,000 नाल एक एक लड़ाया सी। मैं उस दादे दी पोती हाँ जो हिंद दी चिट्टी चादर सी जिन्हें गैरां लई सिर वार दिता, उहदा नां श्री गुरु तेग बहादुर सी। इहो कौम है दुनिया दे किसे धर्म दे उत्ते विपता पैंदी है ते सब तो पहला करोना आया, लोग घरां दे विच डर के बह गए, उह साडियां साडे लोग सन, साडे बच्चे सन, साडियां जथेबंदियां सन जिन्हां ने मौत दा खौफ परे करके घर घर दे विच लंगर पहुंचाया उहनां नूं। उदों असीं मनुखता दे बहुत वड्डे राखे सां। धरती दे उत्ते किते विपता पैंदी है ते सब तो पहला सिख जाके उस जगह नूं आबाद करदे ने, मलबियां दे विचों लोग कढदे ने, तां फिर असी मनुखता की सब तो वड्डी कौम हाँ। पर जे असी अपने हक्कां की गल करांगे तां फिर साडा नां अतवादी या कुछ होर रखिया जाएगा। सानूं अपने जदों अज रिहाना तो लैके ह्यूमन राइट कमीशन पूरी दुनिया दे विच इस इन्हां मोर्चियां दे पक्ष दे विच गल कर रहा, वो गल कर रहा कि ये मनुखता दे लई सब तो वड्डी माड़ी गल है कि तुसीं इंटरनेट बंद कर दिओ
कि खबर बार पहुंच ना सके तो उत्थे सानू अपने जदों दुनिया सानू मान रही है सानू अपने देश दे विच अपनी एक तो किसानी की लड़ाई तो एक अपनी होंद की लड़ाई लड़नी पै रही है। ये कोई छोटी गल नहीं है, ये बड़ी वड्डी गल है। इस लहर ने सानू ये सिखाया है कि जदों जदों इनकलाब आया है जदों जदों कोई लहर चली है तो अगर तुसी उस सच हक दे नाल लड़दे हो तो फिर जित्ता हमेशा सच दी हुंदी है। और उस तो सब तो वड्डी गल कहिंदे बन के चलदे ने जदों भीड़ दा हिस्सा उन्हां दे मगर कदी काफले नहीं हुंदे। चलते ने जो बन के भीड़ का हिस्सा उन्होंने मगर कदी काफले नहीं होंगे। नींद भरनी पैंदी है जुर्मानियां नू, नींद भरनी पैंदी है जुर्मानियां नू, राहां ते मंजिलां दे उहदा मुल नहीं होंगे। सुखमीर देनी पैंदी है सिरां दी फीस जिथे उन्हां स्कूलां दे विच बुजदिलां दे दाखले नहीं होंगे। यो कौम है जिसने पूरी लुकाई नूं दस्या है कि अपने हक लई सानू दो महीने सानू मैनू लगता कि ठंड सहनी पई। इन्हां नूं लगा कि असीं ठंड च उठ जावांगे, इन्हां नूं लगा असीं मीह च उठ जावांगे, हुण इन्हां नूं लगता कि गर्मी च उठ जावांगे। पर इन्हां नूं ये नहीं पता कि कौम का जन्म ही जुलम की उपज च होया। जदों जदों जुलम होया इस धरती दे विचों जुलम की कुख दे विचों एक कौम जन्मी है। ऐ शेख क्या करेगा गुलफिशानी करके, क्या पाएगा तू तौहीने जवानी करके। तू आतिशे दोजक से डराता है उनको जो आग को पी जाते हैं पानी करके। सो ए ते आग नु पानी करके पी जान वाले लोग ने। सो सजदा तुहानु सब नु। और मैं सब तो वड्डी गल जड़ी कहांगी जिस करके मेरा बड़ा मन सी, ये मौका है जदों भी जो जोड़िया जाता है जदों तोड़िया जाता है तो उदों असीं दून सवाए हुए हैं। ये साढ़े महाराज ने बचन किया है। सो असी उस हक सच की लड़ाई से अजे नहीं दसना कि वह मेरे नाल है कि मैं वो नाल हाँ। जे तू मेरा घर है ता मैं तेरा दारा, आज मिल बैठी है इस तरह पता ना लगे कि तू मेरे घर है या मैं तेरे दारा। सो अज असी घरां ते दरां नू इकट्ठे होके पूरी दुनिया नू ये सबूत देना है कि जदों जदों पंजाबियां ने हिंदुस्तानियां ने अपने हक की गल की है तो फिर दुनिया दे विच उन्हां दा कोई बदल नहीं हुंदा ते ओह इनकलाब सदा ही जिंदाबाद रहे ने ते सदा ही जिंदाबाद रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।